हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो सुबह के हो चुके हैं 7:30 और बेटा जा चुका है स्कूल। तो बेटी नहीं गई है स्कूल और तो कहाँ धोकर किचन में सबसे पहले काम होता है हमारा चाय बनाने का। तो मैं तो चाय पीती नहीं हूँ फिलहाल, ना ही मेरे हस्बैंड पीते हैं। तो मम्मी पापा के लिए चाय रेडी हो गई है, तो जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाकर उनको दे देती हूँ। और उसके बाद हमारी अब काफ़ी टाइम से, मतलब 7-8 दिन हो गए हैं, हमारी मेड नहीं आ रही है, वो पंजाब गई हुई है और इसलिए नहीं आ रही है। तो मुझे जल्दी जल्दी उठ के सभी काम निपटाने हैं, क्योंकि बेटी को भी छुट्टी है तो उसको भी टाइम देना है। तो जल्दी जल्दी काम किया और चाय मेरी रेडी हो चुकी है और चाय अब दूँगी मम्मा पापा को। उसके बाद फिर मैं नाश्ता रेडी करूँगी सुबह का ब्रेकफास्ट। तो अब हमारे दूध वाले भैया आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी मैंने उनसे दूध लिया और दूध गर्म किया। दूध भी गर्म हो चुका है और बस मुझे अच्छा लगता है कि जब काम हमारी मेड नहीं आती ना, तो हमें जल्दी जल्दी मैं सुबह सारे काम निपटा लेती हूँ, लंच वगैरह सब रेडी कर देती हूँ, मतलब 10:30 तक मेरा ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस अब बेटी को खाती हूँ, बहुत टाइम हो चुका है तो खाती हूँ। इसके भी बहुत नखरे हैं, मम्मा कल छुट्टी है तो मैं लेट ही होंगी। नहीं, ये उठ जाती है, बहुत जल्दी उठ जाती है ये, और मैंने इसको रेडी भी कर दिया है। देखो, नहा धो के मैंने इसे रेडी कर दिया है। तो अभी अपना खेलेगी, थोड़ा सा मस्ती करेगी और इसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ना छोटी है, छोटे बच्चों को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो और शरारती तो शरारती नंबर 1 है। और मैंने कपड़े सुखाने आई फिर, मैंने जब कपड़े सुखाने आई तो ये भी मेरे साथ साथ, तो मैंने जल्दी से कपड़े सुखा कर सब घर का काम मेरा हो चुका है। और मैं तो मैंने सुबह दोपहर का जो लंच होता है वो मैंने रेडी कर दिया है। मैंने दाल चावल और चिप्स बनाए हैं, फ्राइड चिप्स बनाए हैं और चटनी बनाई है, सलाद काटूंगी, दही रायता बनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी मेरा ये काम हो जाए तो ज़्यादा आराम, फिर बच्चे की तरफ ध्यान दे, मतलब हो जाता है ना, एक साइड हो जाता है, फिर बंदा काम में लगे रहना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं बिल्कुल भी नहीं लगती हूँ कि ये काम में लगे रहूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, घर का मैंने सारा काम कर दिया है। और तो मैंने जैसे आपको बताया, काम वाली नहीं आ रही है, उसकी वजह से मैंने कर दिया है सारा काम। खाना भी मेरा बन चुका है, बस अब बेटे के स्कूल से आने का इंतज़ार है। और मम्मी पापा जी थोड़ा लेटे हुए हैं अपने रूम में, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं 6 बजे। तो मतलब एक एज के हिसाब से, मतलब रेस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पे। और बस अब ये टॉवल सुखाना है छत पे।